चलिए आपको मंदिर के अंदर ले चलते हैं। लेकिन माँ दंतेश्वरी मंदिर के अंदर जाने के लिए कुछ नियम हैं और वो नियम आपको मंदिर में घुसते ही दिखाई दे जाएंगे। नियम ये है कि आप माँ दंतेश्वरी मंदिर के गर्भगृह में पैंट या पजामा पहनकर नहीं जा सकते, सिर्फ धोती पहनकर जा सकते हैं। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए यहाँ फ्री में किराए पर धोतियों की व्यवस्था की गई है। मंदिर में घुसते ही सबसे पहले आपको भगवान भैरव के दर्शन होंगे। इसके बाद नंदी और तमाम देवी देवताओं की मूर्तियां दिखाई देंगी। इसके बाद शुरू होता है गर्भगृह के उस हिस्से में जाने का रास्ता जहां मां सती विराजमान है। इस रास्ते पर आगे बढ़ते ही आपको सबसे पहले भगवान गणेश के दर्शन होंगे। यहां से आगे बढ़ते ही वो स्थान मिलेगा जहां तमाम लोग मनोकामना की चुनरी बांधते हैं। इसके बाद शुरू होता है मां के गर्भगृह का हिस्सा, यानी वो जगह जहां मां की मूर्ति रखी है। इस मंदिर में मां का स्वरूप नरसिंह के रूप में है, जो अपने आप में अद्भुत है। शायद इसलिए मंदिर के शुरुआत में एक गरुण द्वार भी बना हुआ है। तो मंदिर तो आपने घूम लिया, अब जरा इस मंदिर के बारे में भी जान लीजिए। बस्तर में शंखनी और डंकनी नदियों के संगम पर स्थित मां दंतेश्वरी के इस मंदिर को मां सती का 52वां शक्तिपीठ कहते हैं। इस मंदिर को करीब 850 साल पहले बारंगल के नरेश अन्नम देव ने बनवाया था। आपको जानकर हैरानी होगी कि मंदिर पूरी तरह से लकड़ी का बना हुआ है और इन 850 सालों में इस मंदिर का सिर्फ 2 बार पुनर्निर्माण करवाया गया है। पहली बार आज से 700 साल पहले बारंगल से आए पांडव अर्जुन कुल के राजाओं ने इसका पुनर्निर्माण करवाया था और दूसरी बार सन 1932-33 में बस्तर की महारानी प्रफुल्ल कुमारी देवी ने इस मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था। आपको ये जानकर भी हैरानी होगी कि मां दंतेश्वरी के मंदिर में सन 1883 तक नरबलि की प्रथा होती रही है।